आज हम शेयर करेंगे पनीर मसाला की बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रेसिपी। घर की बेसिक चीज़ों से बनने वाली पनीर की ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। एक बार आप इसे ट्राई कीजिए, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं पनीर मसाला की रेसिपी। इसके लिए कढ़ाई में सरसों का तेल लेंगे। तेल हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है। तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें अब प्याज डालेंगे। इसमें हमने दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। प्याज को अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। प्याज में हल्का हल्का ब्राउन कलर आने लगा है, इसे और थोड़ा फ्राई करेंगे। प्याज में अब अच्छा सा डार्क ब्राउन कलर आ गया है, अब इसे निकाल लेंगे। प्याज को ठंडा होने देंगे, फिर इसका पेस्ट बनाएंगे। अब जिस तेल में हमने प्याज फ्राई किए थे उसी तेल को गर्म करेंगे और उसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। इसमें हमने बड़ी इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, लौंग और जीरा लिया है। इसे हमने लो फ्लेम में अच्छी सी खुशबू आने तक भून लिया है। इसमें एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इस समय गैस की फ्लेम को लो रखना है और तेल के साथ मसाले को अच्छे से भून लेंगे। इससे सब्जी में बहुत ही अच्छा कलर आता है। इसमें आप टमाटर का पेस्ट डालेंगे। टमाटर के पेस्ट को मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। इसमें हम प्याज बाद को डालेंगे क्योंकि प्याज को हमने फ्राई कर लिया है। टमाटर अब मसाले के साथ अच्छे से भुन गया है और इसमें तेल भी दिखाई देने लगा है। अब हम इसमें भुने हुए प्याज का पेस्ट डालेंगे। भुने हुए अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हमने अदरक लहसुन को भी तेल के साथ फ्राई कर लिया था, फिर उसका पेस्ट बना लिया था, वो क्लिप में दिखा नहीं पाई आपको। भुने हुए प्याज लहसुन अदरक से सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें आप बेसिक मसाले डालेंगे। इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। मसाले को प्याज टमाटर पेस्ट के साथ अच्छे से भून लेंगे। मसाला अब अच्छे से भून के तैयार हो गया है। इसमें अब दही डालेंगे। मैंने इसमें आधी कटोरी दही लिया है, इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसमें दही डालेंगे, गैस की फ्लेम को लो करेंगे। दही को मसाले के साथ चलाते रहेंगे जिससे कि दही फटे नहीं। दही अब मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसे एक दो मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। मसाला बहुत अच्छे से पक गया है और इससे तेल भी अलग हो गया है। इसमें एक चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे जिससे पनीर की सब्जी का फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा। इसे भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी समय मैं इसमें दो कटोरी पानी डालूंगी। आप ग्रेवी अपनी पसंद के अनुसार गाढ़ी या पतली रख सकते हैं। अगर आपको गाढ़ी रखनी है तो आप इसमें एक कटोरी पानी डालें। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक को भी ग्रेवी में अच्छे से मिला लेंगे और एक दो उबाल आने तक इसे पका लेंगे। ग्रेवी में अब अच्छा सा उबाल आ गया है, अब इसमें पनीर डालेंगे। इसमें हमने 200 ग्राम पनीर लिया है, इसे क्यूब्स में काट लिया है और दो तीन हरी मिर्चें ली हैं। इसमें चीरा लगा लिया है, इसे भी ग्रेवी के साथ 4-5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, सब्जी में अच्छा सा उबाल आ गया है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, सब्जी अब बनके तैयार है। अब इसे सर्व करेंगे। लीजिए तैयार है स्वादिष्ट पनीर मसाला। इसे आप रोटी, पूरी, पराठे या चावल के साथ खाइए। सभी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। एक बार आप इस तरह से बनाइए, ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी।